अस्सलाम वालेकुम। आज का भी लोग बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको रोज़ा रसूल, मिंबर रसूल और जुमा की नमाज़ मस्जिद नबवी में कैसे अदा होती है इसके बारे में इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा। तो नमाज का टाइम हो रहा और मैं तकरीबन 12 बजे मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा हूं और रश देखें, बहुत ज़्यादा रश है। जुमे की नमाज का ख़ास अहतमाम किया जाता है और अगर आप जुमे की नमाज़ मस्जिद नबवी में अदा करना चाहते हैं तो आपको 10 बजे मस्जिद नबवी में आ जाना चाहिए। तो अभी नीचे भी जगह नहीं है तो इसके लिए अब हमें ऊपर छत पे जाना पड़ेगा, तो मैं छत पे ही जो है जुमा की नमाज़ अदा करूँगा। तो ये हर तरफ ये जुमा की नमाज़ का रश है, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़्यादा हजूम है। खुश नसीब यहाँ पे जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हैं। छत पे पहुँच चुका हूँ और माशाल्लाह ये मैंने नमाज़ अदा कर ली है और इस नमाज़ अदा करने के बाद ये छत ऊपर से जो है क्लोज़ हो रही है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। मस्जिद नबवी में बहुत सारी ऐसी जो है छतें हैं जो ऑटोमेटिकली क्लोज़ होती हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था कि नमाज से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था और उसके बाद छत ऑटोमेटिकली क्लोज़। उसके बाद हम लोग रोज़े रसूल की तरफ जो है वो जाएंगे और आपको दिखाता हूँ किस तरह से लोग रोज़े रसूल पर सलाम पेश करने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं। तो जुमे का दिन है, बहुत ज़्यादा रश है, तो हर तरफ रौनक ही रौनक है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपके सामने, और मैं जा रहा हूँ रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने के लिए। और यहाँ पे हमें भागना पड़ा थोड़ा सा क्योंकि रश ज़्यादा है, तो कुछ देर रुकने के बाद हमें परमिशन मिली कि हम इंटर हो सकते हैं। तो ये रोज़ा रसूल की तरफ जाते हुए आपको मस्जिद नबवी का मंज़र दिखाता हूँ कि वो कितना प्यारा है। आँखों से देखना अल्लाह सबको नसीब करे, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। मस्जिद नबवी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। ये आप अंदर से मंज़र देखें किस तरह से मुसलमान जो है वो रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने जा रहे हैं। और साथ ही जो हिस्सा है रियाजुल जन्ना, जिसकी बाकायदा से परमिशन लेनी पड़ती है, एक नुसुक ऐप एप्लीकेशन है जिस पे अप्लाई करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किलात के बाद आपको इसकी परमिशन मिलती है। तो रियाजुल जन्ना असल में जन्नत का टुकड़ा है और ये क़यामत के दिन इसी तरह से उठा लिया जाएगा। ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा देख सकते हैं जहाँ पे मुसलमान जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मिंबरे रसूल है, मिंबरे रसूल अभी माशाल्लाह से आपको इसकी ज़्यारत करवाऊँगा। तो मिंबरे रसूल के बारे में आपको मैं बता दूँ कि मिंबरे रसूल जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे, खुतबा दिया करते थे, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पे जलवा अफरोज़ होते थे। ये वो जगह है जहाँ पे दो जहानों के आका खुतबा दिया करते थे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मंज़र और बहुत ही खूबसूरत ज़्यारत है। तो ये रियाजुल जन्ना का हिस्सा है और इसमें मुसलमान नफल पढ़ने के लिए जो है स्पेशल परमिशन लेते हैं। देन इसके अंदर आप जो है वो अपनी हाज़िरी वो पेश कर सकते हैं। ये मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, और इसके साथ ही आपको मैं दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो इनकी सिक्योरिटी है, इनको शुरते कहते हैं, ये काफ़ी सख्त है। और ये मुसलमानों को जो है, ये आपके सामने कुछ आपको मनाजर नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों को जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे ये हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा है रियाजुल जन्ना और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे हर बंदे को 30 मिनट जो है परमिशन है, लेकिन 30 मिनट ज़्यादा नहीं रुकने देते, 30 मिनट से कम ही परमिशन मिलती है। और लो जी, हम लोग पहुँच चुके हैं रोज़ा रसूल पर, सुनहरी जालियों पर पहुँच चुके हैं और ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। मैं आपको रोज़ा रसूल की अंदर से ज़्यारत करवाऊँगा, इन सुनहरी जालियों में से ज़्यारत करवाऊँगा। ये वो जगह है जहाँ पे दो जहानों के सरदार जो है वो आराम फरमा रहे हैं, और साथ हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और साथ ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो कब्र मुबारक है।
इन सुनहरी जालियों पे आना अल्लाह हर किसी को नसीब करे। और मैंने ये आपको रोज़ा रसूल अंदर से दिखाने की कोशिश की है और यहाँ से मंज़र आपको नज़र आएगा अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अल्लाह इस हाज़िरी को कबूल करे। और ये वो मुकाम है जहाँ आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दुआ कबूल होगी। यही वो सुनहरी जालियाँ जिनको देखने की हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। हर मुसलमान का ख्वाब है कि वो रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दें, दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं और दुआएं मांगते हैं। ये बहुत ही प्यारा मंज़र है जो कि रोज़ा रसूल पे इस वक्त हम लोग हाज़िरी दे रहे हैं। अल्लाह इस तरह की हाज़िरियाँ सबको नसीब करे। जज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह। ये देखें जी, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी हर नमाज के बाद कुछ टाइम के लिए ही आप हाज़िरी दे सकते हैं, उसके बाद ये रास्ता बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ टाइम औरतों के लिए भी मखसूस है जिसमें औरतें भी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी पेश करती हैं। तो यहाँ पे हर मुसलमान अपनी अकीदत के मुताबिक दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है। माशाल्लाह अल्लाह ये मंज़र सबको नसीब करे और अल्लाह हर मुसलमान की दिली मुराद को पूरा करे। रोज़ा रसूल जो कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, ये आपकी नज़र सामने है। और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के बाद हम लोग जो है बाहर निकलेंगे। आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ। ये रोज़ा रसूल से बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर फिर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं और साथ ही ये जगह जो कि रियाजुल जन्ना में जाने के लिए और लोग लाइनों में लगे हुए हैं, इसकी बकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए एक खसूसन वीडियो मैं बनाऊँगा कि आप इसमें फ्री एंट्री कैसे ले सकते हैं और आप एप्लीकेशन से अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। जज़ाकअल्लाह खैर।